हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? आई एम फहद, आई एम अहमद खान। वेलकम टू माय चैनल एफए व्यूज। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड। और दूसरी बात ये कि हम पहले की तरह, हमेशा की तरह दूसरे रिएक्शन के साथ, नए रिएक्शन के साथ आए हैं। ये वीडियो जो है ना, काफी मतलब कि सैड भी समझो और वो भी समझो। ये मैंने बहुत पहले देखी थी और आज मेरे सामने आई है, तो मैंने इसको कहा कि आपने नहीं देखनी, साथ में रिएक्शन करते हैं। तो उसने कहा चलो स्टार्ट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो, फिर वीडियो के बाद बात करते हैं। इनका चैनल भी विजिट करना, तो लेट्स गो, 1 2 3 लेट्स गो। ये मैं, ये यूसुफ, लंगोटिया यारसी मेरा। लाहौर में हमारे घर के सामने एक बड़ा बाग था। उस बाग का गेट बाबा आदम के जमाने। रोज शाम को हमने वहां पतंगे उड़ानी और उसके बाद जाके यूसुफ के दुकान से झजरिया चुरा के खानी। झजरिया? मेरा साहब नमस्ते। नमस्ते मेरी पोती मुंबई वाली। और बेटे क्या हाल चाल है? फांदे छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, फाजल स्वीट्स। हां जी। दादा जान, दिल्ली से किसी की कॉल है। हेलो यूसुफ अंकल। कौन जी? मैं सुमन बोल रही हूँ, दिल्ली से, आपके बचपन के दोस्त बलदेव जी की पोती। याद है बचपन में आप दोनों झजरिया चुरा के खाते थे? बचपन की तंग गली फिर से कूद फांदे छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे। एक पतंग सा उड़ता था परिंदों की तरह, परिंदों की तरह, परिंदों की तरह। एक दौर था मन मन मोर था, एक दौर था मन मन मोर था। पार्टीशन के वक्त हम रातों रात हिंदुस्तान आ गए। दादू यूसुफ जी बड़ी याद आती है। कागजों के कश्तियों में डूब रहता था, झांकती खिड़कियों में उलझा रहता था। वो भी क्या दौर था, मन पे ना जोर था। एक दौर था मन मन मोर था, एक दौर था मन मन मोर था। हाँ जी, कौन? हैप्पी बर्थडे यारा। यूसुफ, यूसुफ वही, वो है यूसुफ, अबे बल्लू, वो है, हाँ, यूसुफ है यार। खत्म। और सो इमोशन वीडियो, सैड वीडियो। और आपने खुद भी देख ली होगी आप लोगों ने, तो अब हम क्या कह सकते हैं। बस इसका यही मतलब था कि दोस्ती, और दोस्ती भी ऐसी कि जो वीडियो में दिखाई गई, और एक इंडिया में, और ये बचपन में लाहौर में, लाहौर का गाना, लाहौर में, और फिर मिले। एंड एंड का सीन बड़ा इमोशनल था। और दूसरी बात ये कि बस आप बताओ,
ये जब पटिशन हो रहा था, जब इंडिया उधर चले गए या आधे लोग उधर चले गए आधे लोग यहाँ पे रह गए, तो अभी भी मुझे लगता है कि हजारों तरह लोग अभी भी एक दूसरे को पहचानते होंगे, मगर मिले हुए 70 साल 40 साल ऐसा बीच में जरूर गैप होगा, गैप और याद तो एक दूसरे को करते होंगे जरूर। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है आपको लग रहा है। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें रियल वीडियो थी, वो कुछ क्लिप वगैरह नहीं था, उसमें पाकिस्तान में आया था, वो लाहौर में एक आदमी आया था, तो काफी एज का था, वो बता रहा था कि इधर माँ मेरा घर था ये वो, उसको काफी रिस्पेक्ट भी मिली थी, वो खुद कह रहा था कि काफी रिस्पेक्ट मिली थी, वो रोया भी था वो। वैसे अगर हमें वो वीडियो मिली तो वो वीडियो में ऐड करेंगे नीचे, लाजमी देखना वो वीडियो, हम कोशिश करेंगे वो वीडियो अगर हमें मिले तो। वो भी वीडियो थी लेकिन वो रियल वीडियो थी, तो काफी मतलब जो कह मेरा इधर गबला हो रहा था अपनी पुरानी गलियों में और ये घर देखने के लिए। देखो ऐसे इसकी बात सही है, काफी लोग होंगे इस तरह और आपस में प्यार का वो सोचना। अगर मेरा मानना जाए तो जितने भी पुराने दोस्त है या पाकिस्तानी लोग वहां पे करते या उनके यहाँ पे करते, सबको एक बार आना चाहिए, मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। एक बार आना चाहिए और अपने यहाँ पे या अगर यहाँ पे दोस्त है तो यहाँ पे मिलना चाहिए, अगर वहाँ पे दोस्त है तो लोग यहाँ से वहां जाना चाहिए। जैसे करतारपुर का डोर खोल दिया, वैसे ही हमारे भी और भी मतलब बॉर्डर खोलना चाहिए। नहीं वैसे जाते हैं लोग पहले, अब नहीं पता, ये बॉर्डर खुल जाए मतलब आसानी हो जाए सबके लिए। तो ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? स्टोरी लगी है दिल को, बहुत मजे की स्टोरी, और एंड का सीन जो काफी इमोशनल था, और क्या बताऊं। और दूसरी बात ये कि आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, और जो जिस वीडियो का मैंने जिक्र किया अगर वो मुझे मिली तो वो भी ऐड करूंगा, वो भी लाजमी विजिट करना। इंडियन था वो, पाकिस्तान आया था लाहौर में अपने घर को देखने के लिए, वो भी इमोशनल वीडियो थी। वैसे आजकल जो नौजवान है उनका किसको कुछ पता नहीं है, आजकल के जो नौजवान है किसी को कुछ पता नहीं है, मगर आज से पहले 70 साल वाले 80 साल वाले या 90 साल वाले जो भी बुजुर्ग है, बुजुर्ग औरत है या मर्द है, उनको ये फील पर जरूर पैदा होगा यार पहले कैसे थे अब हम कैसे हैं, वो जरूर याद। क्या पता ये भी रियल स्टोरी हो, तो बनाई है शायद, हो क्या पता, हाँ हो, क्योंकि बिल्कुल डीप होके बनाई है लोगों ने। तो चलो आप लोग कैसी वीडियो लगी, और फिर हम इजाजत लेते हैं, वीडियो भी ज्यादा बड़ा नहीं करना हमने, तो शॉर्ट सा क्लिप था और काफी इमोशनल क्लिप था और काफी मजे का भी था और काफी इमोशनल बंदे की जाग जाते हैं। तो चलो इजाजत लेते हैं, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हमारे तरफ से बहुत बहुत सारा प्यार आप सबको। तो इजाजत लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।